जेलर का आने का समय है, थोड़ी देर बैठकर यही आराम करते हैं। महाराज जी का सत्ता दे से चल के कैदी को भोजन देती। ए कैदी, या भगवान, आज मैं जेल में क्या देखती हूँ? यहाँ तो हमारे पति नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो आपके हाथों में हाथ करी और पैरों में बेड़िया, ये सब कैसे हुआ? कौन सी नाथ तुमने करती हो तो सब कुछ बता देते हैं। सुनो, अरसी मसर हस लौटा यमा सावर वापस आया और अपने बंगले में बैठा था। महारानी चमेली ने
अपने दासी के द्वारा मुझे नौ महीने में बुलवाया, और जब मैं वहां पहुंचा तो प्यार के गीत को गुनगुनाने लगी, और जब मैं उसकी बातों को इनकार कर दिया तो उसने मेरे हाथों में हथकड़ी डलवा कर और मुझे चिंता भी डलवा दिया। लेकिन और क्या समाचार है? हाँ प्राणनाथ, जब तक मैं अपने विषय में तुम्हें नहीं बताऊंगी तो आप क्या जानेगी? आपने जिस दिन से मुझे मेरी झोपड़ी में छोड़ कर आया थी उसी दिन से आपका प्यार हमारी कोख में पल रहा था। लेकिन गांव में जब लोगों को मालूम हुआ, गांव वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया। मैं गांव में जिस तरफ निकलती थी लोग देखकर मुझे ताने देते थे। मैं उनकी बातें सुन सुन के बहुत उब चुकी थी। एक दिन मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैंने अपनी झोपड़ी से तुम्हारी खोज करने के लिए निकली। लेकिन उसी बियाबान जंगल की तरफ से आ रही थी, मैंने आपके मुन्ने का जन्म दिया नाथ। बेटे का जन्म? लेकिन बेटे का नाम क्या रखा है? मेरे बेटे का नाम मैंने श्याम कुमार रखा। श्याम कुमार? लेकिन अफसोस इस बात का है, हमारे बेटे श्याम कुमार के दाहिने हाथ में सर्प का निशान बना हुआ है। अब मुझे किसी बात का गम नहीं है, बेटे का नाम श्याम कुमार। हाँ प्राणनाथ। और उसके दाहिने हाथ में सर्प का निशान। अब मुझे किसी बात का गम नहीं है, अगर आज हमारी मौत भी हो जाए तो हमें इसका कोई कम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के सहारा के लिए अब अपना बेटा हो गया है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके तुम यहां से निकल जाओ, क्योंकि जेलर का एक समय है। अगर जेलर इस राज को समझ गया तो हम दोनों की फांसी हो जाएगी। इसलिए जाओ, जाओ प्रे, निकल जाओ। नहीं प्राणनाथ, मैं पागल थोड़ी हूँ कि आपको इन हालत में छोड़कर मैं चली जाऊंगी, क्यों ना आपके साथ मेरी भी फांसी हो जाए। लेकिन मैं अपने पति को इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिद करना अच्छी बात नहीं है। हम भूल गए हर बात, हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ,
जाने का समय है, थोड़ी देर बैठकर यही आराम करते हैं। चूचू लोग रहते धारा लोग जिंदगी झंड हो जाए। खाना खाया, मजा आ गया ना? चलो तुमको बाहर की सैर करा लाते हैं और घुमा फिरा के फिर लौटा लाएंगे। तो हमसे चुम्मी मांग, इतनी इतनी मोछा लगा तुम तो हम लेडी नजर बीड़ी। अरे भगवान, तुम का इतना बड़ा मुंह दे है, मुंह से नहीं बोल सकते हो, ऐसे कर मैं चुम्मी मांग रहे हो। तुम आदमी सही खरी नहाते हो नहीं ना? तुमको हम कैप्टन पिलाएंगे, हम सरकारी कर्मचारी हैं ना। लगाओ मुझे मार। अरे मारम नहीं जिंदगी हमारे झंडे की, मुहम लगाओ। अरे माचिस व्यवस्था नहीं तो यही से चलाओ साले, चलाओ। अपाई जान होली समारोह में जा रहे हैं और ज्यादा धुआं ना निकले नहीं एक धारा और लगा देंगे। कौन धारा? प्रदूषण वाला। नमस्ते चली। अब वो बच्चा श्याम कुमार काफी सयाना हो चुका है। अरे महाराज के यहाँ खाने पीने की कोई सुविधा कमी नहीं है, जवान हो गया है। आज हम उसे बुलाते हैं और महाराज के कहने के मुताबिक आज उसे हम सफाई कर्मी की नौकरी में लगाते हैं। अरे बच्चा श्याम कुमार, ओ श्याम कुमार, क्या बात है? आगे वो चाय वाय पी लिया कि नहीं? हो गया। देखो ये राजमाता का कमरा है, वो हमारी राजमाता बड़ी ही खतरनाक है। अगर वो आ जाएंगी तो हमारी तो समझो ऐसी तैसी, हमारी ऐसी तैसी तो आपकी ऐसी तैसी। करना क्या है? देखो राजमाता का कमरा कितना गंदा है, इसकी सफाई करना है। अगर ये सफाई नहीं हुआ तो कहीं राजमाता आ गई ऐसे घुरा करती हैं, बड़ी खतरनाक है। हमार तो ऐसी तैसी हो जाए, अगर हमार ऐसी तैसी तो फिर आपकी भी ऐसी तैसी। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक, मैं जा रहा हूँ और दोपहर में खाना खाने के लिए आ जाना। ठीक है, ठीक है। और कैसे से करे को किलकिली न रहे, नहीं तो हमका काटिन गई है। अगर रानी मैं का देखू तो मैं पहले चलता हूँ, रानी मैं के कमरे की सफाई करता हूँ और उसके बाद सारे महल की सफाई करता हूँ। रानी मैं के कमरे तभी और देखने में कितनी सुंदर है, अगर देखने में नहीं सुंदर है और शायद गले में हो तो कितनी अच्छी लगेगी। आज तविश को मैं अपने गले पहन लेता हूं। इस तवीज में कौन सा सजादू नाक के सामने जाते हैं, इसके खुशबू से बेहोशी हालत। इस तबीज को लेकर माँ के पास चलता हूँ और सारी बातें माँ से बताता हूँ। क्या बताऊँ, आज मेरा बेटा ना जाने क्या बात है अभी तक भोजन करने नहीं आया। बेटा क्या बात है? बेटा श्याम कुमार, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आप कहाँ चले गए थे मेरे यार? आपको शायद मालूम नहीं। क्या बात, राजमहल में आप नौकरी करती? हाँ बेटा। और आज के बाद
राजभवन में मुझे भी नौकरी मिल गई माँ। क्यों नहीं मेरे लाल, और जितने पैसे आपको मिलते हैं आज के बाद उतने पैसे मुझे मिलेगी माँ, कितने खुशी की बात है। लेकिन माँ आज रानी माँ का आदेश था मही की सफाई करने के लिए। हाँ बेटा, तो मैं पहले रानी माँ के कमरे पहुँचा सफाई करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे एक अनोखी चीज मिला। क्या? एक कमीज मिली। उसे देख कर मैं अपने गले पहनना चाहा, लेकिन ना के सामने जाते इसके खुशबू से ऐसी हालत में लगा माँ। नहीं बेटा, मैं सच कहता हूँ माँ। लेकिन माँ थोड़ी देर के लिए मैं अपने कमरे पहुंचा, वहां पर मुझे नींद आ गई। और नींद आने के बाद एक सुंदर सा ख्वाब आया माँ। लेकिन तुमने कैसा ख्वाब देखा मेरे लाल? अगर आप जानना चाहती तो सुनिए माँ, ख्वाब कैसा था और कैसा नहीं। सुनिए माँ, आपसे मैं सपनों में ला रहा हूँ माँ। अरे ख्वाब सच कहता हूँ माँ, रास्ते सब मुझे और पहुंचाए की पहाड़ी पे और वहां किया आराम। अरे की सरोवर तीरे और जहां बैठे थे गोपाल, और देख कर मुझको सब है साथ। अच्छा, और देख कर मुझको सब है साथ, रास्ते सब मुझे सत्य है माँ। जो मैं कह रहा हूँ सत्य है माँ। बेटा श्याम कुमार कहिए माँ, लाइए इस ताबीज को, आप अपनी माँ को दीजिए, लाइए। बेटा इन ख्वाबों को आप अपने दिल से बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि ये ख्वाब कभी सत्य नहीं होते मेरे लाल, ये सब झूठे होते हैं। सुनो मैं तुम्हें बतलाती मेरे लाल, भुला दो दिल से ख्वाब खया। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो कुछ भी कहूंगी सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कहूंगी मेरे लाल। भुला दो दिल से ख्वाब खया। राधिका सब छोड़ो जंजाल, राधिका सब छोड़ो जंजाल। आप कहती हैं कि ख्वाब झूठे होते हैं। हाँ मेरे लाल, नहीं माँ नहीं, ख्वाब जो भी होते हैं सत्य होते, ख्वाब कभी झूठे नहीं होते माँ। बेटा कहिए माँ, ये ख्वाब हमेशा झूठे होते मेरे लाल। चलो यहाँ से हाथ मुँह धो लो, चल के मैं अपने बच्चों को भोजन कराती हूँ। ठीक है माँ, अगर आपकी बात है तो मैं उन ख्वाबों को भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे भूख लगी है, आप चलकर भोजन दीजिए माँ। बेटा एक बात मेरी हमेशा याद रखना, इस ताबीज के बारे में
राजमहल में किसी से कुछ मत कहना मेरे लाल। बेटा मैं संसार में जी रही हूँ तो सिर्फ मैं अपने बेटे के लिए जी रही हूँ। हाँ, और तू ऐसी बात कहके अपनी माँ के दिल को चोट पहुंचाता मेरे लाल। बेटा तू तो राम बसले मोरी परनवा हो जहनवा हमारा से तेरा में बसले मोरी परनवा हो जहनवा बात तो से रहिएगा, तब तक हम जाते हैं ब्यूटी पार्लर। काल हमें दिखवाई है, काल हमें दिखवाई है, जाए भावे सेट करा ले जाए, मसाज वगैरह करा ले, शायद दुल्हन वापस अंदर आ जाए। और जो जूता सब पर सीते उनको क्या बोलते हैं? मोची। हाँ, मोची के पास चले जाए, मुझे पॉलिश करा ले। हो सकता है हमको हाँ घंटा घान लग सकता है और आधा घंटा में वापस आ सकते हैं। तो भाग के ना जाओ। नहीं जाओ। नहीं खेताही में दौड़ा गोली मारा फिर। नमस्ते करो, हम चली ठीक है।